गुड इवनिंग गाइज, आज है डे 14 हमारे चैलेंज का। और अभी ना लाइफस्टाइल इतना आलसी हो गया है कि पूरा दिन घर पे बैठे रहो, खा लो पी लो सो जाओ। जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ, 3 बजे सो गया था, नींद आने लग गई थी और फिलहाल बज रहे हैं 6। और अभी लग रहा है मेरे को कि लेजीनेस आनी स्टार्ट हो गई है बॉडी में। और आज सुबह से मेरे को फील हो रहा था जैसे मेरे को लग रहा है कि मैं वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है वेट धीरे धीरे। लगातार 14 दिन हो चुके हैं हम जिम नहीं जा रहे हैं। हालांकि घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट होता है बट उतना इंटेंस नहीं हो पाता है जितना जिम के अंदर करते हैं। तो आज मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को वर्कआउट थोड़ा इंटेंस वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना लॉकडाउन खत्म होते हैं तो वापस हम फैट गेन कर लेंगे और फिर उसे लूज करना हो जाएगा काफी मुश्किल। और ना इसी के साथ काफी सारे लोगों को लग रहा है कि 7 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, बट मेरे को लगता नहीं है। सिचुएशन अभी इतनी कंट्रोल में है क्योंकि आज क्या हुआ ना, मेरे गाँव में भी पूरा लॉकडाउन हो चुका है। इतने दिन सब यहाँ पे फ्री घूमते थे, कोई कुछ किसी को कुछ नहीं कहता था। आज क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस आई और कंप्लीट यहाँ पे लॉकडाउन करवा दिया है और एक घर यहाँ पे क्वारंटाइन भी हो चुका है। उनके क्या हुआ, कुछ गेस्ट आए हुए थे बाहर से, तो किसी ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को कि वहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं। तो कंप्लीट उनकी फैमिली का चेकअप करवाया गया और फिर उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया और उनको बोल रखा है कि 14 दिनों तक आप घर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते और ना ही किसी को उनके घर पे एंटर होने की अनुमति है। और इसी के साथ ना आज जो मेन गलियाँ हैं जो गाँव को कनेक्ट करती है रोड से या मार्केट से, वो सारी बंद कर दी गई हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं वहाँ पे और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी एक से ज्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठा होते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे क्या है, किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं है। तो अगर आप अपने घर से काम से निकलते हैं तो अकेले ही जा सकते हैं, अगर ज्यादा लोग आपस में इकट्ठा होंगे तो उन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो अभी जैसा कि लॉकडाउन को 7 दिन रहे हैं, तो 14 तारीख तक का रखा हुआ था लॉकडाउन ओवरऑल इंडिया के अंदर, तो मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले 7 दिनों में कंडीशन इतनी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि अभी जो इंडिया में सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद हर दिन पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सो आपके क्या विचार है, क्या आपको लगता है कि 14 तारीख को लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। एक यार आज ना मेरे को फील हुआ कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ये एलर्जी टाइप का कुछ हुआ पड़ा है हाथों पे पूरी तरीके से, यहाँ पे भी, यहाँ बाइसेप्स पे भी पूरी तरीके से हुआ पड़ा है। इस पे पूरा दिन खारिश आती है, तो लग पता नहीं क्या चीज़ हुई है, क्या एलर्जी है या किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है। तो डॉक्टर को दिखाना है बट अभी फ़िलहाल स्किन वगैरह के डॉक्टर अवेलेबल हो पाएंगे नहीं, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा गंगानगर और गंगानगर जाने की अभी परमिशन मिली नहीं है। पदमपुर के अंदर स्किन से रिलेटेड कोई अच्छा डॉक्टर है नहीं, तो यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं है कुछ हो पाएगा, तो लॉकडाउन के बाद ही देखते हैं। लेकिन हालात काफ़ी बुरे हैं क्योंकि पूरा दिन खारिश कर करके रेडनेस आई रहती है और चमड़ी भी उतर रही है कहीं कहीं से। तो पता नहीं क्या है, मोम बोल रहे थे शायद चिकन पॉक्स वगैरह या इस तरीके का कुछ है, बट ऐसा मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं आने वाले जो 7 दिन पेंडिंग है वो किस तरीके से हमारे गुजरते हैं। और अब फिलहाल करते हैं हम थोड़ा सा इंटेंसिव वर्कआउट। सो अभी फिलहाल गाइज मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे यानी छत पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे कर रहे हैं हम वर्कआउट। तो गाइज 7 बज रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क दिखे क्योंकि अभी सनसेट हो चुका है। अपना डे 14 भी इसी तरह से कंप्लीट होता हुआ, तो इसे कर देते हैं यहाँ पे कट। अब हमारे पास टोटल 1 वीक का चैलेंज बचा है, इसे भी हम इजीली बीट कर देंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का व्लॉग, होप सो आपको काफी पसंद आया होगा। इन फ्यूचर भी इसी तरह काफी सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।